आचरण के बाद टाइगर रिजर्व के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने कहा है कि कटानी और अतरिया वन ग्रामों के बीच में मनियारी नदी है, जिसमें बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं मामले में आला अधिकारी से लेकर क्षेत्र विधायक से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं ग्रामीणों ने मामले में अब विरोध करने की बात कही है। इतना परेशान है सर, सबको आ जाए में, भाई साहब भी आ रहे हैं, इतना तकलीफ हो रहा है, सामने में देख रहे हैं और जान रहे हैं, हम भी नहीं पूरा इलाका जान रहे हैं, और इतना दिक्कत कर रहे हैं फॉरेस्ट वाला। हाँ तो रोड नहीं बनवाते, ठीक है हमको भगाना चाहते तो भगा दो, हम चले जाएंगे, हमको जगह दो। समय में कटाव होता है तो इसके संबंध में मुझे विस्तृत में जानकारी नहीं है, पर अगर स्वीकृति भी होती है फिर भी क्योंकि वहाँ पे ये प्रकल्प होने की वजह से यहाँ वन विभाग से अलग से स्वीकृतियाँ भी देनी पड़ती हैं, तो पूरे परीक्षण के पश्चात ही हम लोग इस विषय में कुछ आगे बढ़ा। हम इस समय कटामी और अतरिया के बीच मनियारी नदी में खड़े हो, जहां पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास कर यदि ग्रामीणों की बात करें तो बहुत उम्मीद के साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया है और विधानसभा चुनाव में भी, और ये क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा और लोकसभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में सांसद और विधायक के रूप में चुने गए हैं। लेकिन इनकी जहां तक मांगे थी कि यहां पर एक पुल बनाई जाए, बहुत ज्यादा लोगों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी उन्हें हो रही है। जी बताएंगे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को। देखो इतना परेशानी बहुत परेशान जा रहे हैं हम लोगों को, ये तो हमें तो मरना है ही है। हाँ कम से कम वो खुड़िया से छपरवा तक हमका रोड का परेशानी बस वही है। ये पुलिया नहीं बना, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? पुल बनना चाहिए जी साहब, पुल भी बने। तो ये थे कुछ ग्रामीण जिनका कहना है कि इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इनकी मांगे हैं कि जल्द ही यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए, रोड का निर्माण किया जाए, जिससे इन्हें आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में कब तक इन ग्रामीणों की मांगे पूरी होती है। कैमरा सहयोगी प्रकाश यादव के साथ संदीप सिंह ठाकुर, स्वराज एक्सप्रेस, लोरमी।